कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आज कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी ने मीटिंग ली थी पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी एक्सपर्ट्स की। आज मैंने उसके ऊपर मीटिंग ली। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं, ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे, एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं, उनमें 2 डेथ्स परसों हुई थी और 1 डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। ये तीनों डेथ्स वो हैं जिसमें साइड डिजीज़ को मॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसेस में। तो ऐसा अनुमान है कि डेथ को मॉर्बिडिटी की वजह से हुई है और शायद कोरोना इंसिडेंटल था, पर ये कहा नहीं जा सकता। तो उन जैसे एक केस है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना कि वो कोरोना से डेथ हो गई, ये थोड़ा शायद गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 3 केसेस ऐसी डेथ हुई है जिनको कोरोना था। इन 3 में से 2 दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे।